तो दोस्तों कैसे आप। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट करी थी कि हम ऐसा एक वीडियो बनाए जिसके अंदर हम एक नारियल ले, नारियल के ऊपर लगा दे सुतली बम और सुतली बम को फिर जला दे तो नारियल के क्या हाल होंगे। तो हमने आपकी बात मान ली है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक ऐसा वीडियो जिसमें हम सुतली बम को हमारे इस नारियल के ऊपर बांधेंगे और फिर जलाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं। सो दोस्तों हमने हमारा जुगाड़ तैयार कर लिया है। नारियल के दोनों साइड पर हमने सुतली बम लगा दी है। दोनों को अच्छी तरह से पैरेलल लगाया ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा फोर्स लगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको फोड़ने के लिए। तो चलिए जल्दी से इसके ऊपर आग लगाते हैं और देखते हैं इसके अंदर से जो निकलता है वो हम खा पाते हैं या नहीं, या कहीं पर उड़ी जाता है। चलिए दोस्तों चलो जलाओ। चलो जलाओ। ओ भाई साहब फूट गया, फूट गया। दोस्तों ये हमारा नारियल है, फूट चुका है। वो नारियल के अंदर लो कैमरा पकड़ो तू, फूट चुका है। और ये जो नारियल है दोस्तों फूटा तो है मगर इसके अंदर एक छेद हो चुका है और इसके अंदर कुछ है या नहीं। और एक और सुतली बम हमारा अभी हमारे पास है। सो दोस्तों जो हमारा पहला ट्रायल था वो तो फेल हो गया है मगर इस बार हमने एक और सेटअप तैयार किया है। अब इसको जला कर देखते हैं ये सक्सेस होता है या नहीं। चलिए दोस्तों जलाओ जल्दी। ओ भाई कहाँ गया नारियल। सो गाइस ये यहाँ पे नारियल आया है और यार नारियल अभी तक भी नहीं फूटा है। ओ भाई साहब दोस्तों यार कान की ऐसी की तैसी हो गई है, मतलब इतना खतरनाक साउंड आ रहा है मगर इस नारियल का कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अंदर पहले ट्रायल के अंदर जो छेद हुआ था वो अभी तक वही छेद है, आप देख सकते हैं। और मैं तो नहीं चाहता कि अब बार बार ट्रायल करूं, तो इसको हम तो फोड़ कर खाएंगे। बोलो जोर से बोलो जय माता दी। और भाई साहब ये देखो कितना प्यारा नारियल निकला है। ये खोपरे का जो गोला होता है उस तरह से निकला है। तो इसका जो पानी है वो भी काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है मगर नारियल मेरे हिसाब से उसकी वजह से गोल निकला है, जो सुतली बम हमने करे थे उस वजह से। तो ये प्रसाद बांट के हम अब खाएंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।